अब हम सीधा आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं कुरुक्षेत्र के, गीता जयंती समारोह यहां चल रहा है और खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। अनिल देखिए व्यवस्थाएं हम दर्शकों को दिखा रखे हैं और इस दौरान सबसे बड़ी और खास बात यह है कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर खास इंतजाम यहां नजर आ रखे हैं, जानकारी दीजिए। देखिए राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर में राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो तैनात किए गए हैं, थोड़ी देर में राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो राष्ट्रपति की तरफ से है जो यज्ञ चल रहा है इसमें आहुति डाली जाएंगी, जो श्रीमद्दी भगवद गीता है उनको पुष्प अर्पित की जाएंगी। थोड़ी देर का यहाँ का कार्यक्रम है, PIR की तरफ से प्रदर्शन लगाई गई है, उसका जायजा लिया जाएगा। हरियाणा का मंडप है उसका जायजा यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो मंडप यहाँ पर है उनका कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की तरफ से जायजा लिया जाएगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति यहाँ से कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ पर जो हरियाणा को है तीन बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। उन सौगातों से हरियाणा को कितना फायदा होगा बात करने के लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रतनलाल कटारिया साहब मौजूद है। कटारिया साहब सबसे पहले तो यही सवाल है, राष्ट्रपति का पहला दौरा है हरियाणा को लेकर, हरियाणा के लिए कितना खास रहने वाला है? आज हरियाणा के लिए बहुत शुभ दिन है कि भारत की राष्ट्रपति आज द्रौपदी मुर्मू जी आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आ रही हैं और यहाँ से आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से ऊपर वो सारी दुनिया के लिए भारत का एक संदेश देंगी कि किस तरह से भारत जो है वो गीता की जन्मस्थली है और सारा संसार अगर गीता को फॉलो करेगा तो सबके जीवन में किस तरह से सुख समृद्धि आएगी। कटारिया साहब आप काफी सालों से आप कुरुक्षेत्र में भी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करते पहले गीता महोत्सव जिला स्तर पर मनाया जाता था, भ्रम सरोवर मनाया जाता था, अब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, कितनी कहीं ना कहीं एक अलग साफ देश के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जरिए बात की। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह का महत्व में बनी सरकार को जिस तरह का महत्व उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को दिया है और पहले जो है वो इंग्लैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया और वहाँ की पार्लियामेंट में गीता रखी गई, अब कनाडा के अंदर मनाया गया तो कनाडा की पार्लियामेंट में गीता रखी गई और अभी तीन महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है। तो सारे संसार के अंदर जिस तरह से गीता का प्रचार और प्रसार हो रहा है, हर तीन सौगातें मिलने जा रही है जो राष्ट्रपति शुरुआत करेंगी, उन सौगातों को कैसे देखते हैं? ई टिकटिंग की शुरुआत करने जा रही है, जो स्वास्थ्य को लेकर जो प्रदेश की तरफ से जो नई योजना शुरू की जाएगी, इनका कितना फायदा मिलेगा? देखिए हमारे लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि भारत माता के लाल जन नायक नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लागू करते हैं, चाहे वो गरीब कल्याणकारी योजना हो, चाहे कोविड से संबंधित हो, चाहे उज्ज्वला से संबंधित हो, उन सब योजनाओं को पहले स्थान पर लागू करके हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर साहब जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य की जो योजना शुरू करेंगे, चलिए अनिल जी आप बने रहिए और फिर आपसे रब्ता करेंगे। तो गीता महोत्सव का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, खास इंतजाम किए गए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंचेंगी, पहले यज्ञ में आहुति देंगी और कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली है।